हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग क्लासेस में। तो फ्रेंड आज हम पढ़ने वाले फिजिक्स का चैप्टर वन जो कि है कंसर्न अबाउट आवर एनवायरनमेंट। तो दोस्तों आज हम सिर्फ एमसीक्यू करने वाले हैं इस चैप्टर के। ओके अच्छा, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि हमारे वीडियो के सारी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। तो क्वेश्चन ने बोला है कि इन सब चारों ऑप्शन में से, ठीक है, इन सब चारों ऑप्शन में से कौन सा है जो हमारे ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ग्रीन हाउस गैस हमारा, देखिए, ऑक्सीजन जो वो हमारे ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ओके, ऑक्सीजन जो वो हमारे ग्रीन हाउस गैस नहीं है, क्योंकि मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर, ये तीनों चीज़ ग्रीन हाउस गैस में आते हैं। ओके, एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कन्वेक्शनल एनर्जी इज, हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ऐसा एग्जांपल बताइए जो कि नॉन कन्वेक्शनल एनर्जी हो। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा जियो थर्मल पावर। ओके, क्या हो जाएगा? जियो थर्मल पावर। देखिए तीन नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा है कि द मेन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बायोगैस, मेन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बायोगैस क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा आपका CH4। ओके, और हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन दोस्तों लिखा गया है कि द एटमोसफेयर लेयर इन विच ओजोन लेयर इज एक्सिस्ट। तो ओजोन लेयर इन एक्सिस्ट का मतलब मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखिए जो लोग हिंदी मीडियम से, मैं उनको समझा दे रहा हूँ एक बार कि ओजोन लेयर एक्सिस्ट का मतलब होगा कि ओजोन लेयर कहाँ पर है, ठीक है, एटमोसफेयर के किस लेयर में ओजोन लेयर को पाया जाता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है ना, इसका आंसर आपका हो जाएगा स्ट्रेटोस्फेयर। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसआई यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल, ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल क्या होता है? तो आपका हो जाएगा kg joule per gram। ओके, ऐसा यूनिट फॉर कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज kg joule per gram। अभी देखिए दोस्तों हमारा सिक्स नंबर क्वेश्चन बोला गया है, ड्यू टू द नॉर्मल लैप्स रेट टेम्परेचर डिक्रीजेस विथ हाइट एट एन एवरेज रेट ऑफ 1 degree centigrade पर डैश ऑफ हाइट अबव सी लेवल, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है कि जो नॉर्मल लैप्स जो रेट ऑफ टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ कर जाता है, ठीक है, जब हम लोग ऊंचाई पे जाते हैं तो जो टेम्परेचर वो डिक्रीज़ कर जाता है एट एन एवरेज रेट ऑफ 1 degree centigrade पर, तो यहाँ पर 1 degree centigrade पर 167 meter ऑफ हाइट अबव सी लेवल। सी लेवल से 167 meter ऊपर जाने पर 1 degree centigrade क्या होता है, जो टेम्परेचर है वो घट जाता है, समझे, जब हम हाइट पे ऊपर जाते हैं जो टेम्परेचर है वो घट जाता है। तो सी लेवल के हिसाब से जब आप 167 meter यदि आप ऊपर जाइएगा तो 1 degree centigrade जो है वो आपका टेम्परेचर घट जाता है तापमान, ठीक है। देखिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सात नंबर क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ LPG, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ LPG इज ब्यूटेन। जो LPG का यदि आपको कहीं भी कुछ पूछा जाए कि LPG किससे बना है, उसके अंदर या फिर उसके अंदर क्या पाया जाता है, तो आप ये लिखिएगा ब्यूटेन, ठीक है, कुछ भी आए, ब्यूटेन, इथेन, मीथेन, और आप ब्यूटेन ही मारेगा, ब्यूटेन ही इसका सही आंसर है। ओके, अभी देखिए हमारा एट नंबर क्वेश्चन बोला गया, द गैस कॉजिंग मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन टू ओजोन लेयर, कौन सा गैस है जो कि ओजोन लेयर को डिस्ट्रक करता है, यानी कि मतलब उसको ख़राब कर देता है। ओजोन लेयर पाया जाता है स्ट्रेटोस्फीयर में, ठीक है, तो उसको कौन सा गैस है जो कि उसको ख़राब कर रहा है? तो वो है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है CFC। ओके, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को शॉर्ट फॉर्म में CFC भी लिखा जाता है, ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन सा ओजोन लेयर को डिस्ट्रक कर रहा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। अब देखिए ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपको कहाँ देखने को मिलता है, मैं आपको बताता हूँ, जो रेफ्रिजरेटर होता है रेफ्रिजरेटर में आपको देखने को मिलेगा, या फिर आपको जो AC में देखने को मिलता है, AC जो हम लोग घर में लगाते हैं कूलिंग करने के लिए, AC में भी रहता है, फिर से जो हम लोग स्प्रे कैन यूज़ करते हैं ना, वो स्प्रे कैन में भी रहता है। ओके, तो ये तीन चार जगह है जो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन को पाया जाता है। तो अभी आप सोचिए AC और जो हम लोग स्प्रे कैन यूज़ करते हैं, रेफ्रिजरेटर हुआ, तो इन सब हम लोग का जो इंडिया है या इंडिया के पूरे वर्ल्ड में हम बोल सकते हैं जो कि हाई मात्रा में, बहुत ही ज़्यादा मास में इसका यूज़ किया जाता है, जिसके कारण ये बहुत तेज़ी से जो ओजोन लेयर है ना, ये ओजोन लेयर जो है बहुत तेज़ी से जो कि ये घट रहा है, समझे, ओजोन लेयर जो बहुत तेज़ी से घट रहा है। तो ये यदि डिक्रीज यदि ये यदि घट जाएगा ना, तो फिर हम लोग को यहाँ पर रहना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो देखिए हमारा अब नाइन नंबर क्वेश्चन बोला गया है,
कि द प्राइम ग्रीन हाउस गैसेस, जो प्राइम ग्रीन हाउस गैस है वो क्या है, वो है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। प्राइम ग्रीन हाउस गैस किसे कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को। ओके, 10 नंबर क्वेश्चन बोला है कि विच इज स्पेशली यूज फॉर रेडियो कम्युनिकेशन। रेडियो कम्युनिकेशन को करने के लिए किस चीज़ का हम लोग यूज़ करते हैं, किस लेयर का यूज़ करते हैं रेडियो कम्युनिकेशन करने के लिए, तो वो आपका हो जाएगा मेसोफेयर। ओके, वो आपका हो जाएगा क्या, मेसोफेयर। रेडियो कम्युनिकेशन के लिए किस लेयर का यूज़ करते हैं हम लोग, मेसोफेयर। क्या बेसिकली मेसोफेयर जो है ना, इसमें आपका वो रेडियो कम्युनिकेशन होता है। अभी देखिए हमारे 11 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है, कुकिंग विदाउट फ्यूल इज पॉसिबल इन सोलर कुकर। देखिए बिना फ्यूल का आपको कहाँ पॉसिबल होगा, गैस कुकर में तो होगा नहीं। प्रेशर कुकर के लिए जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं उसमें तो नीचे सिलेंडर लगा रहता है, गैस होता है। तो यहाँ पर बोला है कि बिना फ्यूल का, तो बिना फ्यूल का तो पॉसिबल सिर्फ सोलर कुकर में। ओके, 12 अभी देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल। कौन सा है इन चारों ऑप्शन में से जो कि फॉसिल फ्यूल नहीं है, वो क्या है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं, कॉल डीजल, कोल डीजल, पेट्रोल, इथानॉल। तो आपका आंसर हो जाएगा इथानॉल। ओके, देखिए हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है कि रेडियो वेव्स आर रिफ्लेक्टेड बाई, रेडियो वेव्स होते हैं वो किस से रिफ्लेक्ट होता है, तो आयोनोस्फीयर से ना रेडियो वेव्स होता है वो रिफ्लेक्ट होकर चला जाता है। ओके, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आयोनोस्फीयर। अभी देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर लिखा गया है कि लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाई, तो किस प्रोसेस से जो लाइट एनर्जी होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, उसको कहते हैं हम लोग फोटोवोल्टाइक सेल। ठीक है, फोटोवोल्टाइक सेल के कारण जो लाइट एनर्जी होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, समझे। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।